नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बहुत कठिन बना दिया। छात्रों के लिए एक मैनुअल या गाइडलाइंस रिलीज किया गया। इसमें कहा गया कि जेएनयू कैंपस में किसी भी एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे में धरना, भूख हड़ताल, कलेक्टिव एक्शन या किसी अन्य प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना या निष्कासन हो सकता है। साथ ही 2 सेमेस्टर के लिए रस्टिफिकेशन या फिर एक्सपल्शन भी हो सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है, ये मैनुअल जारी होने के कई दिनों बाद स्टूडेंट्स को 12 स्टूडेंट्स को नोटिस दिया गया कि वो सितंबर 19 में वाइस चांसलर के घर के पास पानी की समस्या को लेके क्यों धरना दे रहे थे। मैनुअल आ जाता है लेकिन जो क्राइम है या जो जुल्म है वो बहुत पहले सितंबर में हुआ था। ये है पिक्यूलियर बातें। इससे पहले 24 नवंबर को विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने सर्वसम्मति से अपने पुराने और अनरजिस्टर्ड लोगों को मॉडिफाई करने का निर्णय ले लिया। निर्णय ये लिया गया कि लोगों वही रखा जाएगा लेकिन विश्वविद्यालय के लिए एक मोटो या फिर आदर्श वाक्य जोड़ा जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये होगा जेएनयू का मोटो। जैसा कि आप शायद जानते हैं, ये 3 शब्द उपनिषदों से एक प्रार्थना का हिस्सा है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मैं 1970 के दशक के अंत से और 1980s की शुरुआती वर्षों तक जेएनयू का छात्र था। व्यक्तिगत अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय ने कई लाख छात्रों को अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश खोजने के लिए सक्षम बनाया। गैलीलियो की कहानी तो आप सभी जानते हैं। उन पर मुकदमा चलाया गया था क्योंकि उन्होंने ज्ञान की खोज की, क्योंकि उन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना, पृथ्वी नहीं, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना कि इसके विपरीत, ये उन्होंने पोस्टुलेट किया। गैलीलियो के सिद्धांतों को लेकर आज भी दुनिया में चर्च एस्टैब्लिशमेंट के विचार के विरुद्ध विवाद छिड़ जाते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ये एक विडंबना है कि जिस जेएनयू ने रोशनी की खोज को अपना मोटो बनाया वह विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाना चाहता है। आखिरकार विरोध किसी भी गलत मान्यता या फैसले के खिलाफ सार्वजनिक या फिर पब्लिक अभिव्यक्ति का एक रूप ही तो है। विश्वविद्यालय इस मुद्दे पर छात्रों या किसी अन्य प्रोटेस्टिंग कलेक्टिव के साथ चर्चा कर सकता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से डीलेजिटिमाइज करने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी अपना प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है। आखिरकार विश्वविद्यालयों का उद्देश्य क्या है? क्या ये वह जगह नहीं है जहां स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? क्या वह जगह नहीं है जहां कोई भी अपनी आवाज खोज सके? क्या ये वह जगह नहीं है जहां छात्र, शिक्षक और अन्य स्टाफ कलेक्टिवली आवाज उठा सके इन सॉलिडारिटी और इन प्रोटेस्ट? क्या हम भूल सकते हैं कि ताकतवरों के खिलाफ संघर्ष करना एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चलती आई है?
परिवर्तन या बदलाव को अक्सर शक्तिशाली लोग अपने द्वारा दिए गए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन क्या हम इनकार कर सकते हैं कि बदलाव आमतौर पर शक्तिहीन लोगों के संघर्ष, बलिदान और विरोध का ही परिणाम तो है? मानव इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ उसकी शुरुआत, उसके बुनियाद में विरोध और संवाद ही तो होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एब्रीविएशंस गढ़ने का शौक है। जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने भी एक बनाया। उन्होंने कहा 5D के कारण ही जेएनयू अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अलग है। डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डिफरेंस, डिसेंट एंड डाइवर्सिटी। जेएनयू के मैनुअल में कहा गया है कि देश विरोधी नारे लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। कौन तय करेगा कि क्या देशभक्ति नहीं है, क्या दोषी घोषित किए गए लोग ऐसे फैसले पर सवाल उठा सकेंगे? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय भारत का माइक्रोकॉस्म की तरह है। छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी देश के हर रीजन से ही तो आते हैं। कोई भी विश्वविद्यालय लेन देन का बाजार नहीं है। कक्षा या फिर क्लासरूम एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां जीवन के सारे सबक सीखे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने एकेडमिक कोर्स से अलग हटके मुद्दों के बारे में भी जागरूक होते हैं। वे सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, कम्युनिटी लिविंग किसे बोलते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें कौन सी सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां वे अपनी राय बदलते हैं, अधिक संवेदनशील बनते हैं। कैसे राजनीति को समझना चाहिए, राजनीतिक जागरूकता उनमें आती है। छात्र, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए उनके लिए बने राजनीतिक संगठनों में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। विचारों के लिए प्रचार करना और शांतिपूर्वक आंदोलन करना गलत नहीं माना जाता। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय आंदोलन दुनिया के नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स का प्रमुख उदाहरण है। कई राजनीतिक नेताओं, आज के जो नेता हैं, तब राजनीति में प्रवेश किए थे जब वे छात्र थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूथ में आपातकाल विरोधी आंदोलन से जुड़े थे। इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लागू करने से पहले गुजरात और कई अन्य राज्यों में छात्रों ने कई सरकारी नीतियों के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया था। जब मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया था तो इमरजेंसी के दौरान छात्रों को कैसे गिरफ्तार किया गया था, उनकी कहानियां दैनिक बातचीत का हिस्सा था। 1970s के दशक के अंत और 1980s के शुरुआत, ये वह समय था जब एनवायरमेंटल मूवमेंट, विमेंस मूवमेंट, ये सब आंदोलन शुरू हुए थे हिंदुस्तान में। सिविल सोसाइटी सक्रिय हुई थी इसी पीरियड में। हम सभी इन आंदोलनों का हिस्सा थे। कई नेता जो आज केंद्र सरकार का हिस्सा हैं, वे भी सरकारी नीतियों का विरोध करते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़े थे उस वक्त। आज उन्होंने दूसरी तरफ अपनी जगह बना ली है। 1968 में फ्रांस में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और वे विश्वविद्यालयों और कारखानों में शुरू हुए थे। 1960 के दशक में
वियतनाम में युद्ध छेड़ने के लिए अमरीकी सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए थे। जेएनयू प्रशासन भारत की रूलिंग पार्टी को फॉलो कर रहा है। भाजपा और सरकार लगातार कहते हैं कि हर आंदोलन का उद्देश्य भारत को कमजोर करना है। जब लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है या उन्हें विलिफाई किया जाता है तो विरोध प्रदर्शन अलग दिशा ले सकता है। संसद में हाल ही में हुए सुरक्षा उल्लंघन की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन अब तक जो सामने आया है उससे पता चलता है कि कम से कम एक इंट्रूडर शहीद भगत सिंह की कार्रवाई को दोहराना चाहते थे, उनके एक्शन को दोहराना चाहते थे। भारत की तत्कालिक सरकार की कॉलोनियल रजीम से तुलना नहीं की जा रही है, परंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कुछ कानून के खिलाफ विरोध करना चाहते थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शायद ये घटना नहीं घटती अगर उन दोनों के पास विरोध करने के वैध तरीके होते। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे सरकार या फिर यूनिवर्सिटी ऑथोरिटीज, विरोध के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कल्चर के विपरीत तो है ही, साथ ही काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। नमस्कार।